नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप सभी मेरे साथ मौजूद है हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर। हम बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की, तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ सोमवार यानी कि आज आगरा आएंगे। उनके आगमन को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। वे यहाँ शहर के तारगढ़ मैदान में आयोजित प्रबुद्ध जन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। कार्यक्रम से पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा लगभग 487.67 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया जाएगा। यातायात पुलिस ने शहर के विभिन्न मार्गों पर डायवर्जन लागू किया है ताकि शहर के लोगों को परेशानी न हो। एसपी ट्रैफिक अरुण चंद के मुताबिक डायवर्जन सुबह 11 बजे से शुरू होकर कार्यक्रम की समाप्ति तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर लगभग 2:30 बजे तारगढ़ मैदान पहुंचेंगे। यहां दोपहर 4:30 बजे तक प्रबुद्ध सम्मेलन कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसी दौरान मुख्यमंत्री द्वारा लगभग 267.67 करोड़ की 17 परियोजनाओं का लोकार्पण भी होगा। साथ ही साथ 219.74 करोड़ की 71 परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। मुख्यमंत्री आगरा में 2.25 घंटे रहेंगे। दोपहर लगभग 4:45 पर राजकीय वायुयान से खेरिया एयरपोर्ट से नखलऊ के लिए प्रस्थान करेंगे। निकाय चुनावों से पहले मुख्यमंत्री योगी के आगमन को काफ़ी अहम माना जा रहा है। उनके आगमन को लेकर प्रशासन देर रात तक तैयारियों में जुटा हुआ रहा है। वहीं जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने बताया है कि आयोजन से संबंधित सभी तैयारियाँ पूर्ण कर ली है। उधर भाजपाई भी पूरी तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभा के लिए व्यापक पैमाने पर तैयारियों में लगे हुए हैं। सीएम यहां सरकारी योजनाओं के लोकार्पण और स्नान के साथ साथ प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। भाजपा तारगढ़ मैदान में करीब 50,000 लोगों को जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। भाजपा के सभी पदाधिकारियों का कहना है इसमें शिक्षक, साहित्यकार, अधिवक्ता, चिकित्सक, उद्योगपति, किसान आदि सभी वर्गों को शामिल किया गया है। उन्हें कार्यक्रम स्थल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी रहेगी। सभी मंडल अध्यक्षों को सौंपी गई है। इसके लिए बसों का भी इंतजाम किया गया है। तो आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस प्रकार प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है और देखिए यहाँ तैयारी पूर्ण है। तो आज आगरा शहर की जनता को उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ देखिए किस प्रकार की सौगात देते हैं और वहीं आगरा की सरकार के लिए जो चुनाव होने वाला है, निकाय चुनाव होने वाला है, उसमें भी देखिए यहाँ मुख्यमंत्री का आना एक अहम माना जा रहा है। तो आइए जानते हैं यहाँ मौजूद पदाधिकारियों से क्या कुछ कहना है इस पूरे कार्यक्रम को लेकर। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आएँ तो आप हमारी खबरों को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि यह खबर अन्य लोगों तक भी पहुंच सके। साथ ही साथ आगरा की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल हिंदुस्तान सीबी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए खबरों के साथ। सुनील कुमार सर, सुनील जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की किस तरीके का कार्यक्रम है आगरा में, क्या है दूसरे का क्या कार्यक्रम है? आगरा में तारगढ़ है यहाँ प्रतापपुरी के पास, वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और आगरा की शहर की जनता में बहुत ही खुशहाल के तरीके से बहुत खुश हैं और बहुत ही बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है यहाँ की जो भी क्षेत्रीय जनता है। वो बहुत आगरा की जनता खुश नसीब है जो बार बार योगी आदित्यनाथ जी आगरा आगमन करते हैं और जो भी सुविधाएं हैं उनका विशेष तौर से ध्यान रखें। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में आए हुए सभी प्रबुद्ध जीवियों को जो है संबोधन जो देंगे और यहाँ पर उसके लिए पूरी जोर शोर से तैयारियाँ चल रही हैं और तैयारियाँ जोरों पे हैं। लोगों में, कार्यकर्ताओं में उत्साह है और पार्टी भी पूरी तत्परता से लगी हुई है। इसके अंदर सभी प्रबुद्ध वर्ग आए हैं और माननीय मुख्यमंत्री के उद्बोधन का जो लाभ उठा। विधायक जी, शिलान्यास की बात करें तो क्या, किस तरीके के शिलान्यास होने वाले हैं? शिलान्यास क्या है, जो विकास के हैं, ये विकास के जो भी विकास की योजनाएँ होती हैं माननीय मुख्यमंत्री जी उसकी घोषणा करेंगे और वहाँ के जो शिला जो पट्टिका हैं जो जगह जगह जा कर के लगेंगी उनका भी लोकार्पण करेंगे और उसका जो